क्यों क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं मकान? अभी समझ में नहीं आ रही, बनवा रहे हैं, साल दो साल टिक गया, अभी मकान गिर गया, दो साल पहले ही बना, मकान गिर रहा है। तो कब से हो रहा है ये? मैंने मिट्टी लगा दे लिया, अभी कल दो दिन से हो गई है एकदम। अच्छा, ये बारिश जब अचानक बारिश हुई है उसके बाद से? बारिश आई थी, बस हल्की सी नोक आई है और अपने आप बारिश के बाद में आई है जी। यहाँ पर क्या है कि महिलाएं जो है घर में चौका बासन करके अपना घर का पेट पालती हैं। पुरुष वर्ग भी पहले ठेल लगाते थे, लेकिन समय के साथ में पुरुष वर्ग जो है उनका, आपको पता ही है, ठेल लगाने की समस्याएं हो गई है इस चीज से। तो ये जो मकान है इन लोगों ने जैसे तैसे करके अपने बनाए हैं। अब इस समय पर जिस तरीके से दरार आ गई है या जो ये गिर रहे हैं मकान, तो इन लोगों के पास में अपना पेट पालने के लिए नहीं है, ये मकान जमीन से क्या बनवा पाए। दूसरा, प्रधानमंत्री योजना के तहत मकानों के लिए भी जब ये लोग आवेदन करते हैं तो इन्हें किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लंबे चक्कर लगाते हैं, कहीं पैसा मांगा जाता है, शिक्षित नहीं है ये लोग, तो समस्याएं इनके संग ये मान करके चलिए हर तरफ से हैं। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना आधार कार्ड से ही मिल रहा है वो। वो जो कहते हैं ये लोग जाते हैं सर्विस सेंटरों पे, वहाँ पर जाकर के ये लोग आवेदन करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रक्रिया में सिवाय फोटो खींचने के या इनसे पैसे मांगने के अलावा कुछ नहीं होता। गली में इतने मकान है लेकिन एक भी दो भी मकान का पूरी तरह से प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वीकृति नहीं हुई। अप्लाई किया किसी ने आप में से? किसी ने? जाते हैं ये लोग बात करने के लिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता इनको। जाते हैं कोई मातर के पास करते हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम बहुत साल हो गए, 90 साल तो मेरी शादी को हो गए जब मकान में रहते हुए जी। तो ये समस्या कब से आई है गिरने की मकान जो? ये तो अभी से ही आई है। अच्छा, कितने दिन हो गए? पहले बनवा लिए, उधर आई थी हमारा तो 3-4 दिन से ये मकान बैठ गया मेरा। अब कहीं शिकायत की थी आपने इसके बारे में कहीं? नहीं, मेरी शिकायत तो रमी मातर के पास जी लड़की गई थी जी, जो कि आने लगी कि साहब मैं दिनवाऊ, मैं कहाँ से करूंगी, साहब मैं कमाऊंगी कि मैं खाऊंगी, तो कह दी अपने आप मकान बनवाओ भैया। गली बनवा सकते हैं, गली बनवा देंगे, मकान का नहीं कोई सहारा नहीं। अच्छा, गली गली हमने रवि साहब हम कहाँ से लाऊं, मेरे तो आदमी भी नहीं है, पेट भी होता है, तो भैया हम तो हमें मदद दो थोड़ी, तो हम कब मदद देंगे लोगों ने रवि माते। तो मैंने कोई बात नहीं, रवि माते मैं जा रही थी। कब गई थी आप? मैं परसों नर्सों गई थी उनके घर, मैं अपने बेटे को लेके गई थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।